हेलो फ्रेंड्स, मैंने देखा तेरी बातों में, तेरे दिल में, नहीं, तेरे पीछे, क्या बोल रहा हूँ मैं, याद आया, तेरे बातों में उलझा ऐसा जिया, क्या नाम भाई भाई उसका, ट्रेलर देखा मैंने आज, जिसमें लीड रोल में है शाहिद कपूर और प्रीति सेनन। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बताऊँ, जो मुझे अच्छा लगा इस ट्रेलर में वो है कि पहला वो जो गाना आता है ना माहिया, भी बहुत बढ़िया लगा, उस सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा था। लोकेशन जो दिखाया गया वो भी बहुत बढ़िया लगा, और शाहिद कपूर और प्रीति सेनन की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया लगा। बहुत ही हैंडसम लग रहे थे शाहिद कपूर और बहुत ही हॉट लग रही थी प्रीति सेनन। एनीवे, इस फिल्म में धर्म जी भी है, बहुत बढ़िया लगा उनको देख के। जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं दिल छू लेते हैं, बहुत बढ़िया लगा। डिंपल कपाड़िया जी भी है, बहुत बढ़िया लगा। और इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अलग है, जैसे नॉर्मल लव स्टोरी है वैसी नहीं है, क्योंकि इसमें शाहिद कपूर तो नॉर्मल है जैसे होता है लड़का वैसा ही है, लेकिन प्रीति सेनन जो है वो रोबोट है। हालांकि ये मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट भी है, ट्रेलर में इसको रिवील नहीं करना चाहिए था कि प्रीति सेनन रोबोट है। अगर ये डायरेक्ट हमको सिनेमा घर में जाकर देखते फिल्म को, तब अगर पता चलता तो बहुत बेहतर होता, वो ट्विस्ट जो वहाँ पर अगर हम लोग देखते हुए मिलते तो बहुत बढ़िया लगता है। उन्होंने ये पे रिवील कर दिया, हालांकि उन्होंने ये भी सोचा होगा अगर ये हम ना दिखाए तो ऑडियंस सोचेगा कि ये भी एक नॉर्मल एक लव स्टोरी है, क्यों देखने जाए, बाद में देख लेंगे, इसलिए शायद वो इसको रिवील किए होंगे, वो तो वही जानते हैं क्या है। लेकिन अगर ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करते बेहतर होता, मतलब इस ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया, क्या प्लॉट है सब दिखा दिया। एनीवे, इस फिल्म में कॉमिक पोर्शन बहुत बढ़िया है, स्पेशली वो एंडिंग का जो सीन रहता है ना, जब वो दरवाजे से वो औरत खड़ी रहती है, प्रीति सेनन हंसती है, उसको देखकर शाहिद कपूर हंसते हैं, वो औरत भी हंसती है, वो बहुत बढ़िया लगा। और कुछ कुछ जो कॉमिक पोर्शन है पे बहुत ही वर्क करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। लेकिन ट्रेलर अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जो कैरेक्टर है प्रीति सेनन का, अगर उसको हाइड करके रखते तो बेहतर होता। एनीवे, मैडॉक की फिल्म है, कभी निराश नहीं करते, उनकी पिछले कुछ फिल्मों का ले लीजिए, कुछ ना कुछ नया डालने की कोशिश करते, यहाँ पर भी किया है। हालांकि एक रोबोट के साथ एक लव स्टोरी, एंडिंग में क्या होगा, क्या दोनों का मेल दिखाएगा, क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा, या इससे भी ऊपर कोई ट्विस्ट है जो हम लोगों को पता नहीं है वो भी हो सकता है, वो तो बाद में पता चलेगा जब हम लोग फिल्म देखेंगे। ओवरऑल यूनिक लगा, अब देखते हैं क्या होगा। 9 फरवरी को रिलीज़ होगा ये फिल्म, ठीक 5-6 दिन पहले 14 फरवरी से जाओगे, जो लोग कपिल सब वो तो जरूर जाएंगे देखने, मज़ा लेने। कुछ कुछ सीन भी ऐसे भी इस फिल्म में है, ट्रेलर में दिखाया, बढ़िया बढ़िया सीन है, वो भी देखने को मिलेगा। मैं इस ट्रेलर को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार। आगे देखते हैं फिल्म कैसे बनती है, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल में नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।